सो हे गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि लाल सिंह चड्ढा जिसकी लागत, जिस फिल्म की लागत 180 करोड़ रुपए है, वो अपना खर्चा भी निकाल पा रही है। जैसे कि पांचवें दिन भी जो फिल्म है वो 50 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई और 15 अगस्त के दिन सिर्फ 8 करोड़ ही वो कमा पाई है। तो आप सोच सकते हैं कि ये फिल्म अपना खर्चा पानी भी निकाल पा रही है, आधा भी नहीं कमा पा रही है, सिर्फ 50 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही है। और ये सब हो किस वजह से रहा है, आप सभी को पता है, ये करीना जो कि जोश जोश में बहुत ज्यादा बोल रही थी कि मत देखने जाओ पब्लिक को, यानी कि हल्के में ले रही थी, हमें हल्के में ले रही थी, इस वजह से उसने जोश जोश में बोल दिया। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसकी फिल्म आने वाली ही है, उसमें बहुत बड़ा होने वाला हंगामा। तो अभी आप देख ही रहे हो, ऊपर से आमिर खान, उन्होंने भी बहुत कुछ बोला, आमिर खान, करीना, ये सब। और बॉलीवुड का तो आपको पता है कि किस तरीके की यहाँ पर होती है, मतलब कि अपने आप को खुदा मान लेना, भगवान मान, उनके ऊपर कोई है ही नहीं, पब्लिक है ही नहीं। हम जो परोसते थाली में वो पब्लिक देख लेगी, पैसे खर्च कर देगी, चली जाएगी सिनेमा और वो देखेगी और हमारी फिल्में हो जाएगी हिट, चाहे हम कुछ भी बना कर दे। लेकिन आज का टाइम ऐसा नहीं है, पब्लिक हो गई है बहुत ज्यादा चंड और बहुत ज्यादा चिल्ला, और उनके अंदर माइंड है, पब्लिक को सोचने की शक्ति है कि कौन सी फिल्म देखनी चाहिए, कौन सी फिल्म नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जो सुपरस्टार होते थे वो कोई भी फिल्म बना कर देते, कैसी भी सड़ी से सड़ी फिल्म हो जाती, कहानी कुछ नहीं होती थी, ना क्लाइमैक्स ना कुछ, फिर भी फिल्म चली जाती, क्यों? क्योंकि नाम की वजह से। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कुछ और है, क्योंकि अब साउथ इंडस्ट्री आ चुकी है, जिस तरफ बॉलीवुड नीचे ही गिरता जा रहा है उसी की दूसरी तरफ साउथ ऊपर ही उठता जा रहा है। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी आपके सामने कितनी सारी हिट हिट मूवीज है, जैसे कि बाहुबली वो कितनी हिट गई, पुष्पा लगातार, ये वाली फिल्म KGF, फिर उसके फिर ट्रिपल आर, फिर अभी कार्तिक की ये वाली भी आ रही है, फिर ये वाली चार्ली मूवी, चार्ली 777। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर जाके देखना, बहुत ही ज्यादा, एक तो कम बजट है, ज्यादा बजट पे नहीं है, बट फिर भी बहुत ज्यादा अमेजिंग पिक्चर है। तो आप सोच सकते हो कि साउथ इंडस्ट्री कितनी ऊपर जा रही है और इसी तरह बॉलीवुड नीचे गिरता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ घमंड, घमंड की वजह से, क्योंकि सारे एक्टर्स एक्ट्रेस घमंड के मारे चूर चूर है। अक्षय कुमार को ही आप ले लो, कि एक वक्त वो कह रहे थे कि मैं तम्बाकू का सेवन नहीं करता, फूफू करने में हीरोगिरी नहीं है, अभी कितना ज्यादा आ रहा है मेम की थूथू करने में हीरोगिरी है, तो मैं कि पैसों के लिए कुछ भी कर देने का, कुछ भी। और इसी की तरफ अल्लू अर्जुन, उनको भी ऑफर मिला था शराब का, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया ऑफर। उन्होंने कहा कि जब मैं खुद सेवन नहीं करता तो मैं अपनी ऑडियंस को, जो मेरे फैंस हैं, उनको कैसे कह सकता हूँ कि वो शराब का करे सेवन। तो ये चीज बहुत ज्यादा गलत है, इस तरह से लोगों को पता चल जाता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो इसलिए जो बॉलीवुड है ये सिर्फ अपनी हरकतों की वजह से, जो ये बोलते हैं करते हैं उसी की वजह से नीचे गिरते जा रहे। और अब पठान भी बॉयकॉट में ट्रेंड कर रहा है, अब उनकी शाहरुख खान की फिल्म भी आ रही है, चलो उसको भी देखते हैं कि वो या उसका भी यही लाल सिंह चड्ढा की तरह हाल हो जाता है। जरूरी नहीं कि किसी एक्टर की या फिर जो फेमस हीरो है उसकी सारी फिल्में हिट हो जाए, जैसे कि आप कह सकते हो 3 Idiots जिसमें कम लागत थी, लेकिन आज भी जब आप देखोगे तो उसमें हंसी उतनी ही आएगी, उतना ही मजा आएगा, क्योंकि वो मास्टरपीस की अच्छी फिल्म है। इडियट बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, आज भी अच्छी लगती है, पर ये जरूरी नहीं कि आमिर खान की मैं हर फिल्म देखने चली जाऊंगी या हर फिल्म उसकी अच्छी हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं होता है। और उसी की तरह जो साउथ इंडस्ट्री है उसके, जैसे मैंने आपको बताया अभी जो फिल्म आई है कार्तिकेय 2, जो कि हिंदी डब है, उसने भी बहुत अच्छी कमाई कर रही है, वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और अभी हिंदी मैंने कि यहाँ पे, तो आप सोच सकते हो कि फिल्म कितनी अच्छी बनती जा रही है साउथ इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में भी नहीं बन रही है, भूल भुलैया देख लो, वो भी बहुत अच्छी बन रही है, रक्षाबंधन उसने भी थोड़ा अच्छा किया है, लाल सिंह चड्ढा से तो बहुत ज़्यादा सही है, जो कि उनके रिव्यूज आ रहे हैं, जो आप भी देख सकते हो, बहुत सारे जो है रिव्यूज देते हैं फिल्म्स का। उन्होंने आपको वीडियो कैसी लगी और आप कितने एग्री है कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। और मैं मिलती किसी और टॉपिक पे किसी और नई वीडियो पे, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।